हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं बनाने जा रही हूँ सूजी के रोल। तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं सूजी के रोल, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं। सूजी रोल बनाने के लिए ये मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसको बारीक काट लिया है। ये शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये गाजर कद्दूकस किया हुआ, थोड़ा पनीर इसको भी कद्दूकस कर लिया है, और ये है थोड़ा सा पत्ता गोभी जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। सभी चीज़ें बराबर मात्रा में ली हैं, ये लगभग आधी आधी कटोरी मैंने सब कुछ ले लिया है। और ये हैं दो आलू, जिन्हें बॉयल करके मैंने छील कर रख लिया है। गैस पर मैंने एक पैन रखा, उसमें डाला 2 चम्मच सरसों का तेल, 2 छोटी वाली चम्मच आपको डालनी है, और इसमें डाला थोड़ा सा जीरा, थोड़ी हींग का पाउडर, और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। अब इसको हमें हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। अब ये देखिए प्याज हमारा भुन गया, तो हमें इसमें डाल देने हैं ये सब्जियाँ, शिमला मिर्च, गाजर और पत्ता गोभी। और अब इसको भी हमें थोड़ी देर तक भूनना है, करीब 2-3 मिनट तक हमें इसको भूनना है। और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और इसको लगातार चलाते हुए भून लेंगे। अब देखिए ये हमारी भुन गई है, तो अब हमें इसमें जो बॉयल किया हुआ आलू है उसको तोड़कर डाल देना है। हाथ से ही हम इसको तोड़कर डाल देंगे। अब हम इसको थोड़ा मिक्स करेंगे और अब हमें इसमें मसाले ऐड करने हैं। तो देखिए 1/2 चम्मच करीब हमने हल्दी पाउडर डाला, स्वाद के अनुसार लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, और फिर से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। जितना भी नमक आपको खाना है और मिर्च आपको जितनी खानी है उसके हिसाब से आप अपना नमक मिर्च डालिए। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और जो आलू के टुकड़े थोड़े बड़े हों उसको आप हल्का सा और तोड़ दीजिए। और अब हम इसमें डालेंगे ये कद्दूकस किया हुआ पनीर और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। अब इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है। अब हमें गैस को बंद कर देना है, और थोड़ा सा अब इसमें अमचूर पाउडर भी डालना है। तो हम करीब 1/2 चम्मच इसमें अमचूर पाउडर डाल रहे हैं, और इसको भी अच्छे से मिला लेना है। तो ये फिलिंग हमारी बनकर तैयार हो गई है। यहाँ पर हमने एक पैन ली, उसमें 2 कप पानी डाला, और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक और 1 चम्मच भरकर तेल, इसको थोड़ा मिक्स करेंगे। और जब ये पानी उबलने लगेगा तो हम इसमें डाल देंगे 1 कप भर के सूजी। जिस कप से नाप के आपने पानी डाला है उसी कप से नाप कर आपको सूजी डालनी है, और फिर इसको जल्दी जल्दी से मिक्स करना है जिससे कि इसमें लम्स ना पड़े। और अब बहुत जल्दी ही ये गाढ़ा होने लगेगा, क्योंकि सूजी है तो गाढ़ी होगी, तो इसको हमें उतना गाढ़ा कर लेना है जैसे कि हम आटा लगाते हैं उस तरह का। और देखिए ये हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। ये आलू और सब्जी वाला मिश्रण जब ठंडा हो जाएगा तो हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इसमें से थोड़ा सा मिश्रण लेंगे और इसके छोटे छोटे रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से दबाकर इसके हमें छोटे छोटे रोल बना लेने हैं, और सारे रोल बनाकर हम तैयार कर लेंगे।
अब देखिए ये सूजी का जो मिश्रण था वो भी लगभग ठंडा हो गया है। इसको बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस उतना ही ठंडा करिए जितना कि आप टच कर सकें। और उसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाकर इसको बिल्कुल आटे की तरह से गूंद लेना है, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, बस बिल्कुल उसी तरह से इसको गूंदना है, जिससे कि ये थोड़ा सा चिकना हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा सा तेल लगाते जाइए और इसको गूंदते जाइए। यहाँ पर मैंने ले लिया है चकला, जिस पर हम रोटी बेलते हैं, उस पर एक पॉलीथीन को फैला लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया और ये थोड़ा सा मिश्रण मैंने सूजी वाला इस पर रखा। और अब हाथ से धीरे धीरे इसको फैलाना है, बिल्कुल आराम आराम से हल्के हल्के प्रेस करके इसको फैला लीजिए। उसके बाद इसको खोलना है और ये जो आलू वाला मिश्रण है ये हमें इसके अंदर रख देना है। अब इसको चारों तरफ से बिल्कुल बंद कर देंगे, कहीं से भी ये खुला ना रहे, और इसको दबा दबा कर धीरे धीरे से इसका रोल बनाकर तैयार कर लेना है। ये देखिए बिल्कुल ही इसको चिकना सा बढ़िया सा इसका रोल बन के तैयार हो जाएगा। बस इसी तरह से हमें सारे रोल बनाकर तैयार कर लेने हैं। इसको हम हाथ से भी बना सकते हैं। देखिए हाथ पर थोड़ा सा तेल लगाइए और थोड़ा सा मिश्रण लीजिए, इसको हथेली पर फैला लीजिए और यहाँ बीच में हम एक ये वाला रोल रख देंगे आलू वाला, और इसको चारों तरफ से कवर कर देना है और हाथ से दबा दबा कर इसको बना लेना है। लेकिन पहले वाला तरीका ज़्यादा अच्छा है, उससे आप ज़्यादा आसानी से बना सकेंगे। तो मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, जैसा आपको सही लगे उस तरह से आपको ये बना लेने हैं। ये देखिए मैंने सारे रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो अब बारी आती है इनको तलने की। तो कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया है, जब ऑयल गर्म हो गया तो इसमें हम ये रोल डाल देंगे। एक बार में जितने रोल आए आप उतने ही डालिए, बहुत ज़्यादा मत डालिए, और इसको पलटने की जल्दी बिल्कुल भी मत करिए। जब ये अच्छे से सिक जाएं तो उसके बाद आप इसको पलट दीजिए, बिल्कुल आसानी से ये पलट जाएंगे। अगर आप जल्दी करेंगे तो हो सकता है ये कढ़ाई में चिपक भी सकते हैं। तो इसी तरह से उलट पलट कर दोनों साइड से इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है। अब ये देखिए ये इस तरह की हो गई। मैं आपको थोड़ा सा पास से भी दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरह का कलर रखा है। आप अगर चाहें तो इनको थोड़ा सा और भी डार्क कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। इसके बाद हम इसको किसी प्लेट में निकाल लेंगे। और ये देखिए पास से भी मैंने आपको दिखा दिया। और इसी तरह से फ्रेंड्स ये सारे रोल हमें फ्राई कर लेने हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी हैं। ये देखिए आवाज़ आई ना आपको, तो कितने क्रिस्पी बने हैं ये। अब मैं आपको इसको काट के भी दिखा देती हूँ कि अंदर से ये कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है, बहुत बढ़िया है ना। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।